नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। नेपाल की तरफ पत्थरबाजी हुई है, धारचूला में नेपाली नागरिकों ने पत्थरबाजी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी की गई है। धारचूला में नेपाली नागरिकों ने पत्थरबाजी की है। धारचूला में तटबंध बनाए जाने से नेपाली नाराज और इसी वजह से पत्थरबाजी की खबर मिल रही है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठी चार्ज भी हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी हुई है, धारचूला में तटबंध बनाए जाने को लेकर नाराजगी और इसी वजह से पत्थरबाजी की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पिथौरागढ़ से, जहां नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी की खबर है। धारचूला में नेपाली नागरिकों ने पत्थरबाजी की है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सुरेंद्र डसिला हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, क्या कुछ इस पूरे मामले को जानकारी है? देखिए, उत्तराखंड के धारचूला में जो पिथौरागढ़ जनपद का सीमांत क्षेत्र है, धारचूला में जो भारत का हिस्सा है, उसमें तटबंध बनाया जा रहा था, मजबूत तटबंध बनाया जा रहा था, क्योंकि बार बार महाकाली नदी से बड़ा कटान हो रहा है। लेकिन नेपाल के क्षेत्र का जो धारचूला है, वहां के लोगों ने ऐतराज जताया था। लोगों ने ये कहा था कि अगर भारत में मजबूत तटबंध बनेगा तो जो नदी का कटान होगा वो नेपाल की ओर होगा, यानी धारचूला से शिफ्ट होकर धारचूला की ओर आएगा। और इसी को लेकर इन्होंने दो तीन बार पथराव किया, जिसके बाद उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका विरोध नेपाल के अधिकारियों से जताया। नेपाली अधिकारियों ने इसके नेपाली पुलिस फोर्स को लाठीचार्ज के आदेश दिए, इन पर लाठीचार्ज हुआ प्रदर्शनकारियों पर, और उसके बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। ये बताया जा रहा है कि अब स्थिति कंट्रोल में है और अब इस मामले में बात कर ली गई है। लेकिन पिथौरागढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि एक बार और नेपाल के अधिकारियों को ये कहा जाएगा कि किसी भी तरीके से ये कार्य पर व्यवधान न करें, क्योंकि भारत अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, अपने तटबंध बनाने का काम कर रहा है, उससे नेपाल को किसी तरीके का विरोध नहीं होना चाहिए। और इसीलिए नेपाल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस बात से सहमत हैं, और इसीलिए ये लाठीचार्ज भी किया गया, उन प्रदर्शनकारियों को शांत भी कराया गया। यानी कि सुरेंद्र, अब जो स्थिति है वहां पर शांत बनी हुई है। आप हमारे साथ बने रहे और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते चले। तो नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी की खबर सामने आई है। तो बड़ी खबर, हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अभी स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते चले। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का ये लाठीचार्ज और हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर सुरेंद्र, और आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ की जा सकती है? देखिए, अभी स्थिति कंट्रोल में है, और क्योंकि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का मामला है, दो देशों का मामला है, इसीलिए पिथौरागढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों ने नेपाल के प्रशासनिक अधिकारियों को ये पूरी बात बताई थी, और नेपाल ने अपने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज तक किया, और उनको ये कहा गया कि भारत अपनी टेरिटरी में अगर कोई निर्माण कर रहा है तो उस पर किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि नेपाल के कुछ लोगों को शायद उनको ये भ्रम है कि उत्तराखंड में अगर मजबूत कंस्ट्रक्शन होगा तो अगली बार कटान नेपाल की ओर होगा, उनको ये लगता है, और इसीलिए ये विरोध कर रहे थे। लेकिन आप बताया जा रहा है कि नेपाल के प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती से कार्रवाई की है और उनको समझा भी दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का मामला है, इस पर किसी तरीके का प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं उनके लिए घातक हो सकता है, और अब ये मामला फिलहाल बताया जा रहा है शांत हो गया है। और इस प्रदर्शन के दौरान, पत्थरबाजी के दौरान, क्या किसी के घायल होने की कोई खबर? देखिए, किसी तरीके का कोई घायल नहीं हुआ है, बस ये है कि एक विरोध प्रदर्शन था और जो अनुचित था, क्योंकि भारत अपनी सीमा पर सब कुछ कर रहा है। हमारे उत्तराखंड के धारचूला में ये निर्माण हो रहा था, इसलिए नेपाल के धारचूला की ओर से इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो समझ से परे है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो पूरा विरोध प्रदर्शन था वो खत्म हो चुका है। सुरेंद्र, ये भी बताइए, धारचूला में जो तटबंध बनाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसकी वजह से नेपाली जो है वो नाराज है, तो क्या आखिर वजह थी? देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी बताया कि उत्तराखंड का जो धारचूला क्षेत्र है, इसमें महाकाली के इस ओर जो हमारा क्षेत्र है वो धारचूला है, और नेपाल का जो क्षेत्र आता है वो धारचूला है। तो धारचूला में जो निर्माण हो रहा था उसको लेकर नेपाल के लोगों का ये कहना है कि वो मजबूत तटबंध बनने से अगली बार जब महाकाली नदी आएगी, क्योंकि दो देशों के बीच में महाकाली बहती है, तो महाकाली नेपाल की ओर ज्यादा कटान करेगी, क्योंकि भारत की ओर मजबूत तटबंध होंगे। तो ये लॉजिक किसी समझ से परे नहीं है, और कहीं ना कहीं दिक्कत और कुछ भ्रम उन लोगों को था, तो शायद प्रशासनिक अधिकारियों ने नेपाल के लोगों को अब समझा दिया है
लेकिन आगे अगर किसी तरीके का विरोध होगा तो भारत ने कहा है कि हम उस पर सख्त ऐतराज जताएंगे। बाकी सुरेंद्र, देखिए आपने जानकारी दी कि अभी स्थिति कंट्रोल में, लेकिन क्या आगे भी क्या इस तरह की कोई खबर सामने आ सकती है, क्या फिर पत्थरबाजी हो सकती है, इसे लेकर अब वहां पर पुलिस प्रशासन की टीम कितने अलर्ट मोड पर है? देखिए दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का मामला है, एसएसबी का ज्यूरिडिक्शन है। पहले एसएसबी जो हमारा सशस्त्र सीमा बल है उसका ज्यूरिडिक्शन है, एसएसबी के अधिकारी इसमें पूरी तरीके से अलर्ट है। ठीक है सुरेंद्र, आपसे पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दें इस पूरी खबर को लेकर। पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, कि किस तरह से नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी हुई। धारचूला में नेपाली नागरिकों ने पत्थरबाजी की है। बताया जा रहा है कि धारचूला में तटबंध बनाए जाने से नेपाली नाराज थे और इसी वजह से ये पत्थरबाजी हुई है। तो देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ नजर आ रही है, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। हालांकि अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कि अब स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखते चलिए किस तरह से नेपाली नागरिकों ने पत्थरबाजी की धारचूला में।